वेलकम बैक टू CDD मोबाइल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका फ़ोन रीस्टार्ट का प्रॉब्लम है, यानी कि पावर जैसे ही ऑन करेंगे ब्रांड का नाम लिख के वापस बंद हो जाएगा, या फिर रीस्टार्ट होते रहेगा, यानी कि ऑन हो के ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा फिर ऑन होगा, तो ये क्या चीज़ का प्रॉब्लम है। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरा फ़ोन में कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम है, तो आप एक बार बैटरी कनेक्टर को रिमूव करके वापस सेट करके फिर से आप मोबाइल को ऑन करिए कुछ इस टाइप से, जैसा कि आप अपना स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर ऐसे करने से आपका फ़ोन सही हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको अपना फ़ोन का बैटरी चेंज करना होगा, क्योंकि इसमें बैटरी जो है जितना वोल्टेज बोर्ड को चाहिए, यानी कि मोबाइल को जितना वोल्टेज चाहिए, उसमें वोल्टेज में कमी आ जाने के कारण मोबाइल ऑन ऑफ पे चला जाता है, यानी कि बैटरी में जो एम्पियर होता है, बैटरी में जो झटका होता है वो कम जाता है। तो इसके लिए मैं एक नया बैटरी खरीद के लाया हूँ मार्केट से 600 रुपये में। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मार्केट से बैटरी ले सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से बैटरी को आपको रिमूव करना होगा, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। और मैं नया वाला बैटरी को अभी सेट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या नया वाला बैटरी से इस मोबाइल को मैं ऑन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो लगभग 80% बैटरी के ही प्रॉब्लम से मोबाइल ऑन ऑफ होता है। तो बैटरी कनेक्टर को मैं सेट करके मैं ऑन करके देखता हूँ क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। और चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो लाऊं तो आप तक पहुंच पाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बैटरी मैं सेट कर दिया हूं और मोबाइल को भी ऑन किया, तो अभी तक मोबाइल सही तरीके से ऑन हो चुका है। आगे हम कुछ देर वेट करेंगे क्या ये पूरा कम्प्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं नया वाला बैटरी से जब मोबाइल ऑन किया हूँ तो 100% मोबाइल एकदम परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है। तो अगर आपके भी फ़ोन में कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो आप सडनली बैटरी चेंज करके देखिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए 80%। 20% में और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन लगभग ऐसा कुछ प्रॉब्लम मेरे पास आया है। तो 90% मोबाइल में मैं बैटरी ही चेंज किया हूँ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो चलिए एक बार मैं ओल्ड बैटरी फिर से वापस सेट करके दिखाता हूँ आपको क्या ओल्ड वाला बैटरी से मोबाइल ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मोबाइल तो अभी ऑन हो गया है, देखते हैं कितना देर पूरा प्रोसेस होता है या नहीं हो रहा है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि मोबाइल ऑफ हो गया है, यानी कि बैटरी देखने में बहुत ही परफेक्ट है, अच्छा लग रहा है दिखने में कि बैटरी कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैटरी का एम्पियर यानी झटका कम जाने के कारण मोबाइल ऑन ऑफ होते रहेगा। तो ऐसे में आप सडनली बैटरी चेंज कीजिए, आपका फ़ोन का प्रॉब्लम 100% सही हो जाना चाहिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।